हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल मिस्टिक टैरोट लवर्स में। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को हम आज के इस रीडिंग में कवर करेंगे। और आज मैं इस दोनों कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ, जिससे आपकी भी एनर्जी पता चलेगी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी को मैं हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो दोनों की एनर्जी को हम कवर करेंगे इस रीडिंग के ऊपर एंड देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे इस रीडिंग में, ओके? तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। फटाफट करके जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा, खूबसूरत सा, जो भी आपके दिल में कमेंट आता है, जो भी मन करता है, प्यारा सा, खूबसूरत सा, पॉजिटिव सा, जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं, ज़रूर ज़रूर जो है नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको अपने पार्टनर का ख्याल अपने दिलो दिमाग में रखना है। इस रीडिंग के दौरान आपको अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है, कम से कम 3 बार नाम ज़रूर लीजिएगा, ताकि ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट कर पाए और आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या है यहाँ की एनर्जी और आपकी एनर्जी। सो दोनों ही कैंडल को मैं लाइट करूँगी और जब लाइट करूँगी उस समय आप अपने दिल की कोई भी फीलिंग्स हैं, कोई भी इमोशंस हैं जो आप अपने पार्टनर तक अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, उस मैसेज को बोल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। ओके, सो चलिए आप लोग रेडी होंगे। अब जो है आप अपने पार्टनर से जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं इस कैंडल की लाइट को देख करके। सो आई होप आप सबने अपने दिल की बातें अपने पर्सन से बोल दी होगी। अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या निकल के आती हैं ये चीज़ें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, देखिए आप जो हैं बहुत टूट चुके हो, आपकी जो एनर्जी है ना मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ लोग आंसर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपने मन में कि यस मैम, है ना, हम लोग बहुत टूट चुके हैं, आप लोग एकदम से टूट चुके हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो किसी से भी। यस, आपके पार्टनर बहुत बड़बोले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर बड़बोले हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा ही बातें करते हैं या ज़्यादा ही चीज़ें जो है ये पर्सन बोलते हैं। दोनों की एनर्जी अलग अलग देख रही हूँ, यहाँ पे आपको फोकस करना है। ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी। देखो कैंडल में क्लियरली दिखता है कि आप बहुत कम बोलना चाह रहे हो इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत लो हो चुकी है, वेट लॉस काफ़ी किया है आपने। आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में पनौती नाम की कोई जो है ना चीज़ आ गई है, चाहे इनकी फैमिली के तरफ से हो, चाहे इनके वर्क करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो जो कि ये पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन बातें तो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपसे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ ऐसी भी वाइब है कि आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी है,
आप बहुत सैड हो लेकिन आपकी पार्टनर सैड एनर्जी में नहीं है। अपने आप को ये पर्सन मोटिवेट करके अपने वर्क में, अपने करियर में या अपनी फैमिली में ये पर्सन इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत कम बातें करने लगे हो आजकल, काफ़ी सेपरेट रहने लगे हो दूसरों से, या अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते हो। आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात एकदम से अपने आप में कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि आप अपने आप में कहीं ना कहीं सिमट चुके हो, ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका रिश्ता जो है कॉम्प्लिकेटेड आपकी तरफ से हुआ है। आप इस रिश्ते में जो है ना अब उतना जाने की उम्मीद नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका रिश्ता जो है आपकी नज़र में आपके पार्टनर वो खो चुके हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी फ्लेम कितनी हाई लेवल की है। आपके पार्टनर लगातार अपने वर्क पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। अभी ये पर्सन का फोकस अभी सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, अभी ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक इसलिए भी हैं क्योंकि इनको लगता है कि लव लाइफ, सिर्फ लव लाइफ को लेकर के अगर टेंशन में रहा या रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में रहा तो ज़िंदगी चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो, तकलीफ़ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से देखो, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन सही टाइमिंग पे, सही वक्त का इंतज़ार है आपकी तरफ। जब ये पर्सन सोचते हैं तो ये पर्सन भी काफ़ी लो फील करने लगते हैं क्योंकि आपकी बात आते ही ये फ्लेम भी काफ़ी लो हो गया है पहले से। सो यस आपकी बात आते ही ये पर्सन की फीलिंग्स लो हो जाते हैं, ये फीलिंग्स के इमोशंस लो हो जाते हैं, ये पर्सन बहुत सैड हो जाते हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, ये पर्सन कई दिनों से आपका जो है हाल चाल भी नहीं पूछा है, कई दिनों से आपके बारे में पूछना भी जो है ये पर्सन ने स्टार्ट नहीं किया है। मैं देख पा रही हूँ कि यस आपका जो रिश्ता है, देखिए आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओके आपकी तरफ से इस रिश्ते में जो है ना अब आपने एफर्ट डालने का सोच लिया है कि मैं नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी। आपने ये काफ़ी क्लियर कर लिया है खुद से कि मुझे एफर्ट नहीं डालना है, मुझे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करनी हैं जो कि उसको कोई वैल्यू नहीं है। आपके पार्टनर लेकिन बहुत सारी बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन के दोस्त या फिर कुछ लोग हैं जो कि आपको पर्सनली जानते हैं, जिनके बारे में, जिनको लेकर के आपके पार्टनर बात करते हुए आपके बारे में दिखाई दे रहे हैं, आपसे रिलेटेड बातें करते हैं। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे रिलेटेड बातें नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बात करना बंद कर दिया है। आपने अपने आप को सोच लिया है कि मैं इससे अब कनेक्ट नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी, क्योंकि आपको इस पर्सन ने इतनी तकलीफ़ दे दी है, इतना दर्द दे दिया है कि अब जो है ना आप अपनी फीलिंग्स को बताने से भी डर रहे हो। किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और ऐसा लगता है कि आप जीवन में कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूं तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल अपने आप को जो है ना अपने करियर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी करियर को बनाने में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, करियर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। करियर जो है इनकी लाइफ में जो है, इनको कहते हैं ना कि इनकी लाइफ में इनका जो फर्स्ट गोल है, इनका ऐसा है कि करियर ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है, पहले करियर सेटल हो जाए, पहले मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं देखूंगा तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में रखना भी है या फिर मूव ऑन करना है। ये पर्सन ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जो है ना काफ़ी कुछ बातें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में, वो भी आज की शाम। आज की शाम की रीडिंग आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पे। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर के अंदर जो है, आपके पार्टनर के अंदर जो है ना एक तड़प दिखाई दे रही है। तड़प किस बात की? इस पर्सन को कुछ पता भी चला है आपको लेकर के, इस पर्सन को एकदम से पता चला है एकदम से। और ये पर्सन जो है ना यहाँ पे काफ़ी हाइपर भी हो गए थे, जो कुछ इनको पता चला है आपके बारे में ना उसको जान करके ये पर्सन काफ़ी हाइपर भी हो गए हैं। देखिए दोनों साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कहीं आगे निकलने की होड़ में ये पर्सन कुछ
किसी चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मुझे काफ़ी अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन अपने सवालों में, जवाबों में ये पर्सन घिर के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और वहीं आप अपना जो है सवाल जवाब लिए बैठे हो। आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। वहीं आपके पार्टनर इमोशनल ना होकर के प्रैक्टिकली डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ये पर्सन जो है ना, देखिए ये पर्सन जो है काफ़ी कम दिखाते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या ये पर्सन आपके लिए अपना जो टाइम है या अपना जो एक एक सिस्टम है ना, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आगे तक ले जाने की एनर्जी में दिखाई दे रही है। देखिए आपका साथ तो इनसे छूटेगा नहीं, ये तो ये पर्सन को पता है। ये पर्सन को लगता है कि आप जो है ना पल दो पल के लिए काफ़ी इनसे दूर जा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए आप इनसे दूर नहीं जा सकते हो। ना ना ना, ये पर्सन भी हैं कि देख रहे हो आपके बारे में सोच करके इनकी एनर्जी लो होती जा रही है, एंड ये पर्सन आपके लिए रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये रास्ता बना रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई कद्र ही नहीं है। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, तभी ये पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा जो है मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को सही करने की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शायद आप नहीं समझ रहे हो, और ये पर्सन की शिकायत हमेशा रहती है आपसे कि आप मुझे नहीं समझते हो, आप मुझे नहीं समझ सकते हो, आप मुझे कभी नहीं समझे हो और आज भी नहीं समझोगे। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन इनकी निकल नहीं पा रही है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन इनकी निकल नहीं पा रही है, क्योंकि ये पर्सन को सही समय का इंतज़ार है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर इनके सामने आ गए सवाल जवाब करने, तो फिर ये पर्सन जो है, कहते हैं ना जैसे कि इस इंसान के ऊपर कोई घोस्ट आ गया है, वैसा जो है ना ये पर्सन करने वाले हैं आपके सामने। ये पर्सन ने सोच लिया है कि मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, अगर सवाल जवाब होगा तो फिर उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, है ना। तो यहाँ की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग सी एनर्जी में हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग सी एनर्जी इसलिए आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं कमबख्त फंस के रह गया हूँ। कभी कभी इनको लगता है कि यार मैं कमबख्त फंस के रह गया हूँ और यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, क्या करूँ, क्योंकि ये पर्सन किसी न किसी को अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ मैनिपुलेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, आपको स्टेबिलिटी में लाने के लिए। लेकिन आपके आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके आंसू जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत याद आता है, ये पर्सन आपको बहुत याद आता है, और ये पर्सन को जो है आप याद करके आपको लगता है कि ये पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो कि बात सही है। इस पर्सन को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस पर्सन का दिल जो है ना, इस पर्सन ने पहले से ही पत्थर बनाकर रख लिया है, पत्थर बना लिया है अपने इस दिल को इस पर्सन ने, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर ये इमोशनल होंगे ना, फिर तो इनकी बैंड बजने वाली है। ये पर्सन अगर इमोशनल होंगे तो फिर तो ये पर्सन गए, फिर तो ये पर्सन गए, और आप इनसे कहने वाले हो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये पर्सन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन ऐसी कुछ बातें कहने वाले हो ये पर्सन से आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी गुस्सा है, आपके अंदर भी है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, तुमने मेरा पूरा जहाँ बर्बाद करके रख दिया, तुमने मुझसे पैसे लिए, तुमने मुझसे ये किया वो किया, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, और उन सवालों के जवाब आपको चाहिए, वो सवालों के जवाब तो आपको चाहिए, लेकिन वो सवालों के जवाब आपके पार्टनर दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे सवालों का जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन रॉन्ग है, ये पर्सन तो रॉन्ग है, ये पर्सन ने मेरे साथ अगर इसको खुशियाँ मिलती तो ये किसी और के पास मुंह थोड़ी मारता, है ना। आपका ऐसा है कि ये मेरे साथ जो है अगर खुश रहता, या इसको खुशी मेरे साथ अगर दिखती अपनी, तो ये 10 जगह जाता ही नहीं,
ये कहीं और जाता ही नहीं, ये किसी और के पास कैसे टिक सकता था जब इसकी खुशियाँ मेरे साथ थी, या ये मेरे साथ खुश था या मेरे साथ खुश थी, है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस 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 आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस आपके पार्टनर आपको लेकर के फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेशन है आपको लेकर के फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हाई हैं इस पर्सन को लेकर के, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस ये पर्सन पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। नो ये पर्सन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन पूरी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन पूरी नहीं कर सकते हैं एक्सपेक्टेशंस को, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये पर्सन, आप ही बताओ कैसे करेंगे ये पर्सन। ये पर्सन से जो है आप इतनी ज़्यादा गिले शिकवे या इतनी नेगेटिविटी जो आप अपने मन में पाल के रखे हो, वो सारी नेगेटिविटी आपने इस पर्सन को दे करके इस पर्सन को मजबूत कर दिया है। ये पर्सन पहले ही से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है कि इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन मेंटली प्रिपेयर्ड है, आपने इनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी डाल दी है। मैं आपको कहूँगी क्यों, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ओवर थिंकिंग कर करके इस रिश्ते को ख़राब कर चुके हो, ठीक है। आपने सोचा, आपने किया, और अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि अब आपकी बातें सुनने से ये पर्सन इनकार कर देते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, आपके सामने से ये पर्सन निकल जाते हैं, और वो चीज़ें देख करके आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन दिख भी रहे हैं ना, तो किसी और के साथ बहुत अच्छे से बातें करते हुए, लेकिन वहीं आपको इग्नोर करके चले जा रहे हैं ये पर्सन। ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कि आपका उसी वक्त मन करता है कि यार मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, क्योंकि ये तो किसी और के साथ खुश है और मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी स्थिति या ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मुझे दिख रही है कि यस आपके पार्टनर डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जो है आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि नो कांटेक्ट जोन जो है ना, वो नो कांटेक्ट जोन जो है वो कहीं ना कहीं जो है आप ख़त्म करना चाहते हो, और उसके लिए ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये नो कांटेक्ट जोन आपका ख़त्म नहीं हो रहा है बाबू, नो ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको रेमेडी करनी होगी, रेमेडी किए बगैर ये पर्सन की अकड़ ठिकाने नहीं आने वाली है। रेमेडी करो, रिचुअल करो, इस पर्सन को एहसास दिलाओ कि हाँ तुम उससे प्यार करते हो और तुम मेरे पास ही आओगे, ठीक है। तुम चाहे 10 जगह जाओ, तुम्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगी तो मेरे पास मिलेगी। ये इस पर्सन को एहसास दिलाओ, ये स्पेल करके जो है ना आप चीज़ें सही कर सकते हैं। कहाँ करेंगे आप स्पेल करने के लिए, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग सा स्पेल चाहिए जिससे आप अपने पार्टनर को एहसास दिला पाएँ और अपने पार्टनर को वो अपने पास वापस बुला पाएँ उसके लिए, ठीक है। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से दिख रही हैं, कि बिना कुछ किए ये पर्सन हिलने वाला नहीं है। ये पर्सन है बड़ा हठी, बहुत हठी है ये पर्सन, हठी किस्म का इंसान है, और हठी इनका जो हट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन की ईगो इतनी ज़्यादा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो वैसा किया, ठीक है। तो ये पर्सन को आप चाहते हो ना कि ऐसे वैसे करके घुमा करके आप जो है इनसे जस्टिस ले लो, नहीं देंगे ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे, ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है, नेचर काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, ठीक है, जिसको आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए हो, है ना, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, मूव इनटू योरसेल्फ। ओके, आपको देखो कहा जा रहा है कि देखो डार्क एनर्जी में मत रहो, इतना गंदा मत सोचो, इतना बुरा मत सोचो, इतना डार्क एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें की जा सकती हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ अगर आप ट्राई करोगे तो,
ट्राई करोगे तो ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी, वरना नेगेटिव चीज़ें ही होंगी आपके साथ। अगर आप किसी के बारे में जो है गंदा सोचोगे या गलत सोचोगे ना, तो वो माइंड में जाएगा उसके, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो एंजल्स भी मना कर रहे हैं कि आपको उन सारी चीज़ों को नहीं सोचना है, आप बस अपने पार्टनर को प्यार दो ना, आपके पार्टनर दौड़े चले आएंगे, ठीक है, आपके पार्टनर दौड़े दौड़े आएंगे, जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप रियलाइज़ करो कि आप कौन हो। एंड ये कहा जा रहा है आपको कि जैसे आप जो है ना विजुअलाइज़ करो, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच क्या है क्या नहीं है, सच सामने आएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये ईश्वर के ऊपर सौंप दो, ठीक है। और ज़्यादा डीपली सोचो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है आपके साथ ये, ठीक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है ना अपने आप को सबसे पहले तो हील करो, सबसे पहले आप हील करो। एंजल्स का कहना है कि लव की कोई बाउंड्री नहीं होती है, आप अपने आप को हील करो, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स के एनर्जी में। सो आई होप आप सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर पाई होगी और आप सबको पसंद भी आई होगी मेरी रीडिंग। सो आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या कोई रेमेडी कोई रिचुअल स्ट्रांग सा चाहते हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।